इसकी चमड़ी है जो एकदम चिकनी होती है, ऊपर से घी के समान जैसे प्रतीत होती है। जय माँ करणी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोविंद सर और मेरे YouTube Facebook पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बांगड़ सर के करीब और बीठनों के बीच की दूरी। ये खेतों के बीच में एक जगह स्थित है। यहाँ पे ये दोस्तों सुनसान जगह पे एक टैंका बना हुआ है। इस टैंके के अंदर है जो एक बहुत ही भारत का दोस्तों सबसे जहरीला स्नेक अंदर गिरा हुआ है। दोस्तों पता नहीं कितने टाइम से अंदर गिरा हुआ है और केदार भाई ने सूचना की और इनकी सूचना से हैं जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर जाकर देखते हैं कि कौन सा स्नेक है। या तो दोस्तों कॉमन कैरेट है या फिर सिंध कैरेट है। दोस्तों ये दोनों ही कैरेट हैं, दोनों ही कैरेट प्रजाति के स्नेक है और इतने जहरीले होते हैं, इतने घातक होते हैं कि इसके काटने के बाद 99% इंसान की मौत हो जाती है। बड़ा ही दोस्तों साइलेंट अटैक करता है और इसके काटने से पता तक नहीं चलता है कि कोई स्नेक काटा है। जब तक पता चलता है कि स्नेक कोई बाइट कर लिया है तब तक है जो हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ये सबसे खतरनाक जहरीला माना जाता है और इसके दोस्तों ट्रीटमेंट से भी कम बचने के दोस्तों चांस रहते हैं। चलिए दोस्तों इसके अंदर जाकर है जो हम रेस्क्यू करते हैं। ये नाइट में काटने का ही ज़्यादातर केस हमारे सामने आते हैं। दोस्तों हम लोग हैं जो तीन ही लोग हैं और अंदर जाने की पूरी दोस्तों तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों ये सिंध की प्रजाति का स्नेक है, सिंध कैरेट, जो दोस्तों कॉमन कैरेट से भी 12 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है और इसके काटने से दोस्तों इंसान की मौत हो जाती है। बहुत ही दोस्तों जहरीला खतरनाक स्नेक है। कॉमन कैरेट और सिंध कैरेट दोनों देखने में दोस्तों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों ये है जो सिंध कैरेट की पहचान और कॉमन कैरेट की पहचान में थोड़ा सा ही फर्क दिखाई देता है और इसके इतने से फर्क से दोस्तों ये अपने आप को है जो 12 गुना ज्यादा जहरीला साबित करता है। बड़ा ही दोस्तों भारत का खतरनाक स्नेक है। ये रात्रि को है जो इंसान को सोते वक्त है जो आकर अटैक कर लेता है और काट कर इंसान को मौत के घाट उतार देता है। उसको है जो दोस्तों थोड़ा सा भी टाइम नहीं देता है जो वो बच सके, इतना दोस्तों ये घातक जहरीला होता है। और दोस्तों ये सिंध की प्रजाति है जिसको सिंध कैरेट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बहुत ही दोस्तों बड़ा स्नेक है और बड़ा ही दोस्तों ये खतरनाक होता है। मैं बार बार बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो को देखकर आप नकल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना ही करें, नहीं तो दोस्तों आपकी जान जा सकती है। और पता नहीं दोस्तों ये कितने टाइम से है जो इस टैंके के अंदर गिरा हुआ है और यहाँ इनकी सूचना से है जो हम यहाँ पे आज दोस्तों पहुंच कर इसका रेस्क्यू किया है। इतने बड़े विशाल का स्नेक दोस्तों कम ही देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको है जो जल्दी से हम डिब्बे के अंदर बंद करेंगे और लेकर चलेंगे दोस्तों आगे जंगल में रिलीज करने के लिए। यहाँ और भी दोस्तों जीव है जो पढ़कर मर चुके हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए और भी कुछ जहरी जीव हैं जो मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक सामने दोस्तों मॉनिटर लिजर्ड जो मर चुका है और ये एकदम दोस्तों इसका जो है खोखला हो चुका है। ये या तो दोनों दोस्तों आपस में है जो लड़कर मरे हैं या फिर ये पहले का है, पुराना है जो इसके अंदर गिरकर खत्म हो गया भूखा प्यासा रहकर। और दोस्तों ये बाइट करने की स्थिति में आ रहा है और बाइट करने की दोस्तों ये कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर के जो निशान है दोस्तों आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको पहचानने की भूल न करें। और ये है जो चोर नाग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसको हमें जो जल्दी से डिब्बे में बंद करके और आपको है जो पूरी जानकारी इसको बाहर आकर दोस्तों दिखाते हैं, क्योंकि अंदर है जो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है और खड़ा रहना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। चलिए दोस्तों करते हैं डिब्बे के अंदर बंद।
रसो अंदर। दोस्तों बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है अंदर, मुश्किल है खड़ा रहना भी क्योंकि एक मॉनिटर लिजार्ड खत्म हुआ है। काफी दोस्तों यहाँ पे जीव हैं जो पड़कर अंदर खत्म हुए हैं। बड़ी ही मशक्कत के बाद दोस्तों बड़ी मुश्किल से है जो बाहर निकल पाए हैं। और काफी दोस्तों टैंकी की लगभग गहराई है जो 15 फीट के करीब गहराई थी और अंदर है जो बहुत सारे बेजुबान जीव हैं दोस्तों अंदर गिरकर मर चुके हैं। ये भी इसकी भी यही हालत होने वाली थी लेकिन है जो इनकी नज़र इन पे पड़ गई और यहाँ सुनसान जगह देख कर इन्होंने मुझे सूचना की और इनकी सूचना पे है जो मैं यहाँ पे आकर दोस्तों इसको हम बाहर निकाल चुके हैं और इसको यहाँ पे नहीं छोड़ पाएंगे, कहीं और सेफ जगह छोड़ेंगे जहाँ पर कोई इंसान न हो ताकि किसी भी प्राणी को ये काट न ले और किसी के साथ कोई घटना घटित न हो जाए। इनको है जो बहुत दूर हम छोड़ने वाले हैं और इसके बारे में दोस्तों और भी आपको जानकारी देते हैं। एक बार यहाँ पे है जो इसको बाहर निकाल कर हम आपको दिखाने वाले हैं। यही है दोस्तों सिंध के रेत। बहुत ही दोस्तों खतरनाक और जहरीला स्नेक जिसको सिंध के रेत के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इतना घातक इतना खतरनाक होता है कि लोगों के हैं जो दोस्तों ये रात्रि को बाइट कर लेता है और उनको हैं जो इलाज ना लेने तक हैं जो इलाज हैं जो ना मिल पाए और वो ख़त्म भी हो जाए। दोस्तों इसका इलाज भी मिलना संभव नहीं है। इसने बहुत लंबे दिनों बाद दोबारा ज़मीन देखी। जी बिल्कुल दोस्तों काफ़ी टाइम बाद में है जो ये इस टैंके से बाहर निकला है, आज़ाद हुआ है। बड़ा ही दोस्तों खतरनाक स्नेक है और काफ़ी दोस्तों बिग साइज का बड़ा है। विश्वास रहता है कि ये हैं जो 100 कोस तक हैं जो पीछे आकर दोस्तों बाइट कर लेता है। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये अंधविश्वास की बातें हैं लेकिन दोस्तों ये जहरीला है, घातक भी होता है। ये हम दोस्तों आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और जीवों को बचाए रखना भी ज़रूरी है दोस्तों। इनकी प्रजातियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं दोस्तों, कॉमन के रेत और सिंध के रेत। ये दिखने में दोस्तों दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इसमें अंतर होता है। ये जो आप नीचे का पीलापन देख रहे हो इसके मुंह के नीचे का, यही दोस्तों सिंध के रेत प्रजाति का स्नेक है और ये दोस्तों कॉमन के रेत से भी दोस्तों 12 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। दोस्तों ये निशाचर स्नेक है जो रात्रि को ही ज़्यादा बाहर निकलता है और दिन में दोस्तों इसका निकलना असंभव सा रहता है। ये बाहर ना के बराबर दोस्तों बाहर निकलता है। काफ़ी दोस्तों इसकी लंबाई है और ये दोस्तों दूसरे सांपों से थोड़ा चलने की जो इसकी आप बोल सकते हो कि जो चाल है ये दोस्तों सीधी होती है, जो आप आमतौर पर दिखाई दे रहे हैं कि ये एकदम है जो थोड़ा सा टेढ़ा होके चल रहा है, बाकी लगभग ये दोस्तों सीधा चल रहा है। बाकी जो दूसरे स्नेक होते हैं दोस्तों वो इतने इस प्रकार से सीधे चाल नहीं चल सकते, वो हैं जो अपना पेट को हैं जो ज़्यादा घुमा के दोस्तों चलते हैं। दोस्तों देखिए किस प्रकार से ये अपनी जीभ हैं जो लपलपा रहा है और इसको टांके से दोस्तों हम बाहर निकालते ही ये घूमने लग गए हैं क्योंकि अंदर बेचारा है जो काफ़ी टाइम से दोस्तों ये इस टैंके के भीतर दोस्तों गिरा हुआ था, जो ये आप टैंक का दोस्तों देख रहे हो। बहुत ही दोस्तों ये खतरनाक जहरीली प्रजाति है
जिसको सिंध गैरत के नाम से जानते हैं, और इसके काटने के बाद इंसान का बचना दोस्तों मुश्किल सा हो जाता है। इसके काटने के बाद इंसान की दोस्तों मौत हो जाती है। दोस्तों भारत का सबसे जहरीला स्नेक यही स्नेक है, इसी को ही दोस्तों कैरेथ स्नेक कहते हैं, और ये दोस्तों कैरेथ की प्रजाति है जो इतना घातक और इतना जहरीला होता है। इसके काटने के बाद इंसान का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। कैरेथ स्नेक की पहचान दोस्तों आप देख लीजिए, और ये इसके मुंह के ऊपर का जो ये दोस्तों शरीर पे इस प्रकार के पैटर्न होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, वाइट सी दोस्तों इस पर ये पैटर्न होते हैं, जो मारवाड़ी में इसको कोडी बोलते हैं, कि ये वाइट कोडी वाला ऊपर जो आप ये इसकी पहचान देख सकते हो। इसको पहचानना ना भूले, ये निशाचर स्नेक है और रात्रि को ही दोस्तों बाइट करता है। इसको अभी हमने इस टैंके से दोस्तों बाहर निकाला है, और इससे बाहर निकाल कर इसको हम आज़ाद करने वाले हैं दूर। आज काफ़ी समय बाद दोस्तों ये यहाँ धरती पर है जो बाहर इस टैंके से निकल कर सांस ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर हैं जो कई जीव गिरे पड़े थे और दोस्तों वो मर चुके हैं। इसकी दोस्तों किस्मत अच्छी रही कि इसको यहाँ पर देख लिया, और देखने के बाद हमें सूचना मिलते ही यहाँ पहुँच कर हैं जो इसका रेस्क्यू करके दोस्तों हम दूर जाकर रिलीज करने वाले हैं इस स्नेक को। यहाँ एकदम जैसे कि ये दोस्तों शीशा है, उसी की भांति होता है, शीशे की भांति इतना दोस्तों ये चिकना होता है दूसरे सांपों की संख्या में। ये दोस्तों हाथ से हैं जो आसानी से निकल सकता है, बहुत ही दोस्तों ये इसकी चमड़ी है जो एकदम चिकनी होती है, ऊपर से घी के समान जैसे प्रतीत होती है, और दोस्तों चमकदार चमड़ी आप देख सकते हो एकदम दोस्तों ब्लैक। अपनी जीभ को लपलपाता हुआ दोस्तों ये दिन में निकलना पसंद कर बहुत कम पसंद करता है, रात्रि को ज़्यादा ये बाहर है जो घूमता रहता है। स्नेक को हैं जो हम डिब्बे के अंदर करते हैं बंद, बहुत ही दोस्तों जहरीला स्नेक है, खतरनाक स्नेक है। इसको रिलीज भी हमें जो दूर करने वाले हैं, और बहुत ही दोस्तों इसकी ऊपर की जो ये आप चमड़ी देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये एकदम शीशे के समान है, जो चिकनी होती है, शीशे की भांति होता है, जो हाथों से आसानी से ये निकल जाता है, और इसके केस काटने के दोस्तों रात्रि को ही ज़्यादा आते हैं। चलिए दोस्तों इसको हमें जो डिब्बे के अंदर करते हैं बंद, और दोस्तों लेकर चलेंगे आगे इसको हमें जंगल में रिलीज करने के लिए। काफ़ी दोस्तों इसकी हाइट है, देखिए लगभग इसकी हाइट जो है 5.5 फीट के दोस्तों करीब ही है, 5 फीट से दोस्तों ये ऊपर ही है, और इसके टैंके के अंदर पड़े रहने से हालत है जो काफ़ी दोस्तों दुबली पतली हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है। पता नहीं दोस्तों कितने टाइम से इस टांके के भीतर दोस्तों ये पड़ा हुआ था। चलिए करते हैं इसको बंद और लेकर चलेंगे हम आगे जंगल में नए रिलीज करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों इसको वहां पर रिलीज करते वक्त। ऐसे बेजुबान जीवों को दोस्तों बचाए रखे ने मारे नहीं, प्रकृति और पर्यावरण के दोस्तों हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। दोस्तों इस स्नेक को है जो हम रिलीज करने के लिए आ चुके हैं जंगल के अंदर दूर, और इसको दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं रिलीज, ताकि ये इस सुनसान जंगल में दोस्तों चला जाए और अपनी दोस्तों लाइफ जिए। इसको सुरक्षित टांके से निकाल कर हम यहाँ रिलीज कर चुके हैं। चलिए दोस्तों इसको हम जाने देते हैं, ये बड़ा ही फुर्तीला होता है, काटने की मूवमेंट में तुरंत ही आ जाता है और पता तक नहीं चलता है कि ये बाइट कर चुका है। जा चुके हैं दोस्तों पर्यावरण के भीतर।